डॉल्फिन है, चहक महक जिसे काफी शोर है यहाँ पर बर्ड्स का। तो इस तरफ देखिए, ये रेजिडेंट बर्ड्स है हरिके में, ये मतलब यहाँ पर ही रहते हैं। मैं इस पर ऊपर चढ़ता हूँ अगर रास्ता होगा अंदर जाने का। लेकिन आप साइकिल लेकर आ सकते हैं, साइकिल लेकर आइए। तो सत श्री अकाल, तो आज मैं फिर से आ चुका हूँ। हम हरिके पैडल पीछे देख सकते हैं कितना पानी जा रहा है। तो आज मैं वैसे तो आपको मैंने इसके रिलेटेड वीडियो बनाई है, वो आइकन पर देख सकते हैं। आज मैं आपको सिर्फ दिखाऊंगा सेंचुरी, जो बर्ड सेंचुरी है वहाँ पर सभी तरह के बर्ड्स आते हैं। यूरोपियन बर्ड्स है, यूरोप से आते हैं जो, तो उसी हिसाब से मैं यूरोपियन बोल दिया। तो चलते हैं सीधा वही। तो गाइस अभी मैं सेंचुरी में तो आ चुका हूँ, तो बर्ड्स काफ़ी हैं। तो लेकिन वो रिवर की तरफ है, तो मैं वो भी आपको दिखाता हूँ आगे से अगर मौका मिलता है। तो काफ़ी लंबी है ये, 1.5-2 किलोमीटर का हुआ रास्ता, तो जिस पर मैं चल रहा हूँ। यहाँ से आप साइकिल भी मिलता है वैसे, तो साइकिल लेकर भी जा सकते हैं। और दूरबीन, जिसे हम दूरबीन बोलते हैं, वो भी मिलती है, वो आगे से हम देख। भाग कर जा रहा हूँ कि आपको जल्द से जल्द दिखाऊँ, क्योंकि अंधेरा भी हो रहा है। ऐसे अभी मैं देख सकता हूँ काफ़ी बर्ड्स है, आपको दिखाता हूँ। ये देखिए जो सभी बर्ड्स है, आगे जाकर देखना पड़ेगा। आगे चलते हैं। अभी तस्वीरें लगी हुई हैं सेंचुरी में, तो यहाँ पर इस प्रकार के बर्ड आपको देखने को मिलते हैं। तो ये कुछ लगी है, ये रेजिडेंट बर्ड्स है हरिके में, ये मतलब यहाँ पर ही रहते हैं। और जो यूरोप की तरफ से आते हैं वो भी शायद आगे देखने को मिल जाएगा। आगे लोग हैं, कुछ भी नहीं दिखा, शायद पोपड़ ना हो जाए। तो इस तरफ आपको जैसे कि मैंने बताया दरिया है, जिसे हम रिवर बोलते हैं। तो आगे चलते हैं, बस अभी बंदर दिखा है और कुछ बर्ड्स दिखे हैं, वो भी काफ़ी दूर है। तो आगे चलते हैं, काफ़ी रास्ता पड़ जाता है, 3 किलोमीटर का बताया गया है। तो 3 किलोमीटर पैदल चढ़ना आपको पता ही है, सांस भी चढ़ जाती है। तो लेकिन आप साइकिल लेकर आ सकते हैं, साइकिल लेकर आइए, तो आपको सब कुछ। लेकिन मैंने पिछली बार आपको वीडियो में एक मैंने वीडियो बनाई है पहले ही इस हरिके में आकर, वो आप वीडियो आइकन में फिर से देख सकते हैं। उसमें मैं साइकिल लेके गया था, लेकिन उसकी चेन इतनी बार उतर गई कि मुझे, मैंने यही सोच लिया कि साइकिल लेना बिल्कुल गलत डिसीजन है। लेकिन अभी डिसीजन सही है, तो चलते हैं आगे। इसके लिए आपको परमिट लेना पड़ता है, तो परमिट बिल्कुल फ्री होता है सेंचुरी के अंदर आने का। इसके लिए कुछ आपका जो प्रूफ रखते हैं, लाइसेंस रखते हैं या आधार कार्ड रखते हैं, ऐसे कोई भी चीज़ ये रख सकते हैं। तो चलो चलते हैं फिर भी आगे। तो जनाब कम से कम 20 मिनट चलने के बाद अभी कुछ जगह मिली है, यहाँ से हम देख सकते हैं जो कि जितने भी बर्ड्स हैं, जो भी एनिमल दिखेगा, तो मैं वो भी आपको साथ में दिखाऊंगा। आगे का पता नहीं, तो आप सामने देखिए इस तरह है। तो यहाँ से ही जो एक पानी वाली बस चली थी पहले, जो कि बिल्कुल फेल हो चुकी है, तो यहाँ से स्टार्ट हुई थी। तो अभी चलते हैं इस तरफ, देखते हैं ये नज़ारा है। आगे सामने बिल्कुल खुला हुआ है। तो जैसे मैंने बताया ना आपको, बस जो फेल हो चुकी है, इस तरह से उतरती थी पानी में, लेकिन अभी कोई भी खास नहीं मुझे लग रहा है। ये बर्ड्स हैं तो काफ़ी दूर है, तो जो कि आपको दूरबीन से ही देखने पड़ेंगे। मैं इस पर ऊपर चढ़ता हूँ अगर रास्ता होगा अंदर जाने का। तो यहाँ से ऊपर जाते हैं और देख लेते हैं अगर रास्ता बनता है। तो ये है रास्ता ऊपर जाने का, चलते हैं आगे। एक बार ऊपर आ रहा था, सिर में चोट लग गई, तो अभी ऊपर की ओर जाते हैं। पता नहीं है कितने टाइम का ये बना हुआ है, कहीं इसकी लकड़ ना टूट जाए जिससे सीढ़ियाँ बनाई है। अभी ध्यान से जाना पड़ेगा ऊपर की। ऐसा मैं ऊपर आ चुका हूँ, देख सकते हैं यहाँ से सब कुछ दिखता है, लेकिन ये तो पूरा छप्पड़ बना हुआ है। ये देखो इस तरफ तो आपको वो दरख्त ही मिलेंगे, पेड़, और इस तरफ देखिए तो ये बोर्ड भी सामने लगी हुई है। तो अभी बिल्कुल नज़दीक जा रहा हूँ। डॉल्फिन है कहते हैं, डॉल्फिन कुछ भी नहीं दिखा, पोपट हो गया है। यहाँ पर कुछ है, आवाज़ आ रही है, यहाँ पर कुछ है।
पता नहीं कौन सा जानवर हो सकता है, वो देखो ये तो है ना डॉल्फिन, कुछ भी दिखा पोपट हो गया है। यहाँ पर कुछ है, आवाज आ रही है, यहाँ पर कुछ है, पता नहीं कौन सा जानवर हो सकता है, वो देखो ये तो है ना। तो गाइस कुछ भी नहीं देखने को मिला, जैसे कि आपको भी पता होगा, बस एक दो फोटो क्लिक कराई है और चार पांच लोग थे, वैसे भी ना के बराबर ही जानवर दिखा है, वो बस तैरने वाले जानवर दिखे हैं, वो काफ़ी दूर है जो कि दूरबीन की साथ ही देखा जा सकता है उसको। तो चलते हैं आगे, काफ़ी बेहद अभी 20 मिनट लगेंगे फिर से बाहर जाने के लिए। एक चीज़ दिखी है तो मैं आपको बता देता हूँ, देखने को तो नहीं मिला लेकिन उसने अपने जो निशान छोड़े हैं मैं वो दिखा देता हूँ। ये सांप निकला है यहाँ से, तो ये इस तरफ गया है, बीस मिनट चलने के बाद अपने पॉइंट पर फिर से आ चुके हैं। यहाँ से परमिट मिलता है अंदर जाने का, और इस तरफ से यहाँ से ही आपको दूरबीन मिलेगी और इस तरफ आपको रिवर देखने को मिलती है। ये दो है आ जाती है, सतलुज और ब्यास दोनों साथ में आकर यहाँ पर मिलती है, ये देखो। तो ये जानवर है सामने। तो गाइस अभी मैं जो आपको मैंने एंड पॉइंट बताया था जहाँ से मैं एंटर किया था वहाँ पर ही आ चुका हूँ, और उसके बाद इतना खास कुछ देखने को नहीं मिला, लेकिन वैसे तो बर्ड्स होते हैं, अभी आपको आवाज़ भी आप सुन रहे होंगे पीछे से, काफ़ी आवाज़ आ रही होगी। तो अभी यहाँ पर जैसे मैं आपको ये भी बता चुका हूँ परमिट के बारे में, अगर नहीं पता, मैं आईफोन पर भी आपको मैंने बताया कि वहाँ पर मैंने वीडियो पहले बना चुका है तो वो देख सकते हैं। तो इसका टाइमिंग होती है, अगर आपने देखने के लिए आना है तो आप सर्दियों में आए, जाने की ठंडी में आए, तो उसका जो टाइम पीरियड है नवंबर से लेकर फरवरी तक आप बीच इसके बीच आते हैं, तो आप कुछ ना कुछ देखने को जरूर मिलेगा आपको। तो जानवर काफ़ी है, और अभी आप वहाँ पर सामने देख पा रहे होंगे ना, तो सभी जानवर हैं। वैसे देखने को आपको लगेगा कि कोई पौधा होगा कुछ होगा, लेकिन वो सभी जानवर तैर रहे हैं, जो नज़दीक भी देख सकते हैं ये भी जानवर तैर रहे हैं, तो ये काफ़ी दूर से आते हैं, तो गर्मियों में बिल्कुल नहीं होते ये। तो गाइस अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए।